हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का जो चैप्टर 3 है उसका जो विविध प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, एग्जाम में 5 नंबर या 6 नंबर में आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर 3 है त्रिकोणमितीय फलन, उसकी विविध प्रश्नावली है और उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, साइन एक्स बाई टू कॉमा कॉस एक्स बाई टू व टेन एक्स बाई टू ज्ञात करो। ठीक है, इस सवाल के लिए आपको साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू ज्ञात करना है, इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है कि टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन थ्री। एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स जो लाई करता है एंगल वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और आपको साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो डियर स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको लिखना है दिया है। एग्जाम में कैसे लिखना है बिल्कुल सिक्वेंस में वो सारा फॉर्मेट बताऊंगा। दिया है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दिया है टेन एक्स का मान आपको दिया हुआ है माइनस चार बटे तीन और बोलता है कि जो एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, जो एक्स है वो द्वितीय क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहां ध्यान रखना है कि जो एक्स है वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ होता है। ठीक है, अब जो एक्स एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जीरो होता है, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 180 होगा यानी पाई, और यहाँ पर 3π/2 यानी 270 और यहाँ पर 2π कंप्लीट राउंड हो जाता है। ठीक है, पूरा अब ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इसने बोला है कि जो एक्स एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड का मतलब क्या है, यहाँ बीच में है यानी 90 और 180 के बीच में होगा। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, 90 से बड़ी और 180 से छोटी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब क्या, एक्स का मान 90 और 180 के बीच में है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जो हमें एंगल निकालना है वो साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू निकालना, यानी इस एक्स का हाफ निकालना है। तो एक्स का हाफ क्या होता है, एक्स बाई टू, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टू से डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड में। ठीक है, दोनों साइड में टू से डिवाइड कर दूंगा। अब देखिए टू से ये 45 टाइम जाएगा। ठीक है, और लेस देन एक्स बाई टू, अब देखिए ये 90 टाइम जाएगा। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट आपको क्या दिख रहा है कि जो एक्स बाई टू एंगल होगा वो 45 और 90 के बीच में होगा। इसका मतलब क्या है, 45 और 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 45 भी यहीं पर आएगा, 90 से छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है कि जब भी आप x बाई टू एंगल निकालोगे तो उसको आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख कर लेना है। ठीक है, चलो अब देखिए आपको टेन एक्स की वैल्यू माइनस चार बटे तीन दिया हुआ है, आपको साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू निकालना है। तो चूंकि आपको मालूम है टेन एक्स का जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, टेन टू एक्स का जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि टू टेन एक्स अपॉन टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखिए टेन एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस फोर बाई थ्री है, इसको रख दो आप। अब यहाँ पर देखिए टू इंटू में टेन एक्स बाई टू है, इसको सेम रखो, वन माइनस टेन एक्स बाई टू सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी। अभी यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले इस टू से फोर कट जाएगा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, माइनस टू अपॉन में थ्री, और यहाँ पर देखिए टेन एक्स बाई टू का वन से मल्टीप्लाई, तो टेन एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखिए वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, इसको आपको सेम रखना है। अब डियर स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो कितना होगा, माइनस का टू, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस टू का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से करेंगे तो कितना होगा, प्लस का टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, इतना बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए
थ्री का मल्टीप्लाई करो तो 3 × 10x/2, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा लो, मानक रूप में लिख लो। देखिए सबसे पहले 2 10² x/2 आएगा, उसके बाद ये टर्म इधर आएगी तो माइनस का 3 10x/2, और ये माइनस में 2 है, इसको आप ऐसे लिख लो, ठीक है। और इक्वल में कुछ नहीं है तो 0 यहाँ पर, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है। अब देखिए 10² x/2 10x/2 आ रहा है, इसको आप चाहो तो y मान लो या आप a मान लो, ठीक है। तो देखिए पुट, यदि अगर मैं यहाँ पर 10x/2 को मान लेता हूँ मैं यहाँ पर y, तो देखिए क्या होगा, 2 देयर फॉर 10x/2 को आपने y माना तो यहाँ पर y रखो, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दो, माइनस में 3 10x/2 क्या y माइनस 2 = 0, ठीक है। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई है, इसको सॉल्व कर लो पहले फैक्टराइज मेथड से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको पहले मैं ऊपर लिखता हूँ, तो 2y² - 3y - 2 = 0 है, ठीक है। इसके फैक्टर आप निकालो, तो देखिए आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या होता है कि वाई स्क्वायर का कोफिशियंट तो लास्ट में संख्या उसका मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 × 2 = 4। अब 4 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करके 3 मिलता हो, देखिए 4 × 1 = कितना हो जाएगा 4, और 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए 2y² सेम माइनस, इस 3 को आप लिख सकते हैं 4 − 1 × y − 2 = 0। अब देखिए 2y² माइनस का मल्टीप्लाई वाई का मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4y माइनस माइनस प्लस वाई बन जा वाई माइनस का 2 = 0, ठीक है। अब पेयर बना के कॉमन ले लो, तो फर्स्ट वाले पेयर में कॉमन क्या रहा 2y, तो यहाँ से 2y कॉमन आएगा तो यहाँ पर y बचेगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ बचा है थोड़ा दूरी पर आपको वही रखना होता है, उसको रख दिया मैंने = 0। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, प्लस का सिंबल है, प्लस सेम आएगा, कॉमन कुछ भी नहीं तो 1 कॉमन है, ठीक है। अब देखिए y − 2 दोनों में सेम फैक्टर है, कॉमन निकाल लो, y − 2 × यहाँ पर 2y बचेगा, यहाँ पर +1, तो 2y + 1 = 0, ठीक है। अब एक बार y − 2 = 0 कर लो, और एक बार 2y + 1 को 0 के इक्वल रख दो, यहाँ से y की वैल्यू +2 आएगी, और यहाँ से 2y की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1/2, ठीक है। अब कौन सा मान लेना है वो डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट, ठीक है। y का कौन सा मान लेंगे उसका डिसाइड कौन करेगा, क्वाड्रेंट करेगा यानी चतुर्थांश करेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, y आपने किसको माना था, 10x/2 को माना था, ठीक है। अब देखिए 10x/2 यानी एंगल क्या x/2, और मैंने क्या बोला था कि जो x/2 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, वो 0 और 90 के बीच में रहेगा। अब देखिए x/2 आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, और फर्स्ट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में क्या होते हैं सभी रेशियो प्लस होते हैं, तो यानी 10 की वैल्यू लेनी प्लस वाली, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो अब देखिए ध्यान से, आपको लिखना है कि देखिए y = 2 होगा। अब y आपने किसको माना था, 10x/2 को माना था, देयरफॉर 10x/2 = 2, ठीक है। तो देखिए 10x/2 की जो वैल्यू पूछ रहा था आपसे वो आपने निकाल दिया है, 2y है, ठीक है, प्लस का 2y है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो प्लस की होती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो पहले इसको नोट कर ले। अब देखिए आपने 10x/2 निकाल दिया है, अब आपको sin x/2 cos x/2 निकालना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 + tan² x/2, अब एंगल में हाफ ले रहा हूँ, ठीक है, 1 + tan² x/2 = sec² x/2, एंगल को हाफ कर दिया है, ठीक है। अब देखिए 1 को आपको सेम रखना है, 10x/2 की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, ठीक है, तो वो क्या निकाली थी वो मैं लिख लेता हूँ, आपने 2 निकाला था पीछे, ठीक है, तो ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर सेम रख ले, sec² x/2 को आपको पहले सेम रखना है, ठीक है, sec से cos निकाल देंगे हम। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो sec² x/2, 1 और 4 = 5 हो जाएगा, = sec² x/2, ठीक है। अब देखिए sec² x/2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ध्यान से, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा प्लस माइनस के साथ में, ठीक है, दो वैल्यू होती है स्क्वायर वाली की,
अब देखिए ध्यान से, एक्स बाई टू कहाँ पे लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने बोला था कि एक्स बाई टू कहाँ पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में जो सेक होता है वो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो यहाँ लिखना फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको क्या करना है, सेक एक्स बाई टू की वैल्यू लेनी पॉजिटिव रूट फाइव प्लस का, ठीक है? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए ध्यान से, सेक से आप निकाल सकते हैं कॉस, आपको मालूम है। यहाँ पर देखिए कॉस एक्स बाई टू क्या होता है, ये होता है वन अपॉन सेक एक्स बाई टू, ठीक है? अब देखिए सेक एक्स बाई टू कितना है, रूट फाइव पे, तो यही आपकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी प्लस होता है तो ये वैल्यू प्लस में आई है, ठीक है? चलो अब आपको निकालना है साइन एक्स बाई टू। देखिए आपको मालूम है, आपको क्या मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है, वन के इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, ठीक है? अब देखिए कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू आपने वन अपॉन रूट फाइव निकाला है, वो यहाँ रख दो, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू सेम, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू वन अपॉन रूट फाइव है, तो वन अपॉन रूट फाइव ऊपर स्क्वायर चल रहा है इक्वल टू वन है। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस वन का स्क्वायर वन, रूट फाइव का स्क्वायर कितना होगा, फाइव, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इक्वल टू वन। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू वन उधर जाएगा तो माइनस वन अपॉन फाइव हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू फाइव पंज फाइव, फाइव में से वन माइनस करो फोर बाई फाइव, ठीक है? अब देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ रूट लगेगा प्लस माइनस के साथ में, तो साइन एक्स बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर अपॉन फाइव, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा कि साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी होगी। देखिए प्लस माइनस है सेम रहेगा, फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है टू, और रूट फाइव सेम रहेगा, ठीक है? अब देखिए एक्स बाई टू कहाँ पर है, एक्स बाई टू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी जीरो और नाइन्टी के बीच में, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि साइन फर्स्ट में क्या होता है, प्लस होता है, फर्स्ट में सभी रेशो प्लस के होते हैं इसलिए, ठीक है? तो साइन एक्स बाई टू यहाँ पर लिखना, देयर फॉर साइन एक्स बाई टू क्या होगा, टू अपॉन में रूट फाइव, ठीक है? अब चाहो तो आप यहाँ पर रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है? रूट फाइव से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो टू रूट फाइव, और रूट फाइव से रूट फाइव में इंटू होगा तो केवल फाइव, ठीक है? और यहाँ पर भी कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर भी आंसर राइट है। अगर आपको रैशनलाइज करना है तो रूट फाइव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दे ऐसे, ठीक है? तो कितना होगा, फाइव अपॉन में फाइव, ठीक है? इस तरह से आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर रैशनलाइज करना आपको आना चाहिए। तो चाहो तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप लिख देना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है? अब इसको ध्यान से नोट करें।